नमस्कार, आप देख रहे हैं जेनाई न्यूज। मैं हूं सुनील कुमार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लखनऊ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। तांत्रिक के यहाँ ले जाने की बात कहकर प्रेमी ने ही प्रेमिका का कत्ल किया था, जिसको लेकर क्षेत्र भर में सनसनी फैल गई थी। वहीं पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर आरोपी शाहिद अली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र चंद्र रावत ने बताया कि प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को जंगल में ले जाकर बांके से वार कर प्रेमिका रेखा को मौत के घाट उतार दिया था। इस पूरे घटनाक्रम को थाना सोजनी नगर के अंतर्गत TSM हॉस्पिटल के पास अंजाम दिया गया था। आपको बता दें, इस पूरे हत्याकांड को अवैध संबंधों के शक में अंजाम दिया गया था। वहीं पुलिस ने हत्या में उपयोग किए गए बांके व अन्य सामान को भी बरामद कर लिया है। आइए देखते हैं जैसन तिवारी की एक रिपोर्ट। किया गया है, क्या है पूरा मामला और इस अपराधी का आपराधिक इतिहास क्या रहा है? ये रेखा नाम की एक महिला है कि जो डूडा कॉलोनी पारा थाना क्षेत्र में है, उसमें वहाँ रहती थी, और उसी का पड़ोसी है ये शाहिद अली, जो उसी डूडा कॉलोनी में ही रहता था। 2017 से इनका प्रकरण स्टार्ट हुआ है। इसकी जो पत्नी है शाहिद की, वो इसको शक था कि किसी और से संबंध हो गया है, और उसके बाद वो इसकी पत्नी जो थी वो इसको छोड़ के चली गई शाहिद को। फिर इसके दो दो लड़कियां थी, तो उनको अपनी बहन के यहाँ इसने रखा ले जा कर के। तो इसकी बड़ी लड़की जो थी वो भी किसी के साथ चली गई, और इसको शक था कि ये महिला जो है वही इसको लगातार पत्नी को भी किसी और से फंसवाने में भूमिका थी, और जो लड़की भागी है जिसके साथ में उसको भी भगवाने में पूरी भूमिका इस महिला की थी। इस चक्कर में इसने करीब पिछले 6 महीने से इससे दोस्ती बढ़ाया। इसके ऊपर ये ब्लाइंड फेथ करती थी, रात में कहीं भी आना जाना होता था तो ये इसको कॉल करती थी, ऑटो से ये उसको घर पे छोड़ने जाता था। ये 15 तारीख की रात में ये इसने इसको कॉल किया है। फिर इसने कहा है तांत्रिक कि हमें चलना है और आप भी चल सकती हो। इस बहाने से इसको लेके गया है और जंगल में वहाँ ले जा कर के इसको वहाँ पर उतारा है, और उतार के इसने एक झटके में इसका मुंह दबाया है, और मुंह दबा के गला दबाया, इसकी हत्या कर दी। उसके बाद इसने एक बांका से ताबड़तोड़ वार किया इसके ऊपर, जिससे मौके पर ही इसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात इसने बांका और इसका रुपट्टा और कई सारी चीज़ें थी उनको जंगल में ले जा कर के छुपा दिया। ये जब हिरासत में लिया गया है, उसके पश्चात इसने सभी ये बांका और जो दुपट्टा, ये जो इसमें रक्त लगा हुआ था, उसको मौके से बरामद कराया है। आज ये शाहिद अली को हिरासत में ले लिया गया है सरोजिनी नगर पुलिस के द्वारा, और इनको जेल भेजा जा रहा है, और जो बरामद हुए हैं उपकरण इनको फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा।